गन्ने के बीज का उत्पादन। गन्ने की उन्नत प्रजातियों के गुणवान बीज का उपलब्ध न होना या उनका सीमित मात्रा में किसानों को उपलब्ध होना देश में गन्ने का उत्पादन व उत्पादकता के स्तर बढ़ाने के रास्ते में सबसे बड़ी कमी है। गन्ने के तने के टुकड़े यानी सेट्स गन्ने की व्यावसायिक खेती में रोपण के लिए बीज का काम करते हैं। हर बीज टुकड़े में एक दो या तीन कलिकाएं रखी जाती हैं। हर वर्ष बीजे गए गन्ने से उत्पादित गन्ने का करीब 10% अगली फसल के रोपण में काम आता है। बीज की गुणवत्ता व मात्रा काफी हद तक फसल के प्रदर्शन को तय करते हैं। उत्पादन के सभी हालातों को एक जैसा रखने पर केवल गन्ने की उन्नत प्रजाति का अच्छी गुणवत्ता वाला बीज ही गन्ना उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाने में सहायक होता है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर ने अपनी सबसे पहली संकर प्रजाति को 205 के लोकार्पण के समय के बाद से ही देश भर को बहुत सारी अति उत्तम प्रजातियां विकसित कर समर्पित की है। बहुत सारी गन्ने की प्रजातियां समय के साथ अपनी उत्पादन क्षमता खो दी है। इस धीरे धीरे उत्पादन क्षमता में आई कमी की घटना को प्रजाति अधःपतन या प्रजाति गिरावट के नाम से जाना जाता है। इस गिरावट के लिए रोग, कीट, सूखा, मृदा हालात, लवणता, जल प्लावन और एक ही फसल का बार बार एक ही खेत में उगाना इत्यादि जिम्मेदार हो सकते हैं। निम्न गुणवत्ता का बीज प्रजाति के प्रदर्शन के लिए मुख्यतया जिम्मेदार पाया गया है। रोपण स्थानों के निकट ही बीज नर्सरियों को स्थापित कर गुणवान बीज का उत्पादन उत्पादकता की क्षमता को पा लेने की कुंजी है। इसलिए एक 3-स्तरीय नर्सरी कार्यक्रम प्रत्येक चीनी मिल के लिए आवश्यक है ताकि उन्नत गन्ना प्रजातियों का बीज किसानों को लगातार प्राप्त हो सके। इस 3-स्तरीय नर्सरी कार्यक्रम में उच्च तापमान पर उपचारित बीज टुकड़ों को बहुगुणन के लिए एक प्राथमिक बीज नर्सरी, इसके बाद द्वितीय और फिर उससे तीसरी व्यावसायिक नर्सरी से जिस बीज का उत्पादन होता है उस स्वस्थ रोग रहित बीज सामग्री को किसानों को व्यावसायिक रोपण के लिए दिया जाता है। अतः 3-स्तरीय बीज उत्पादन प्रक्रिया में प्रथम, द्वितीय और व्यावसायिक नर्सरी के रूप में 3 अवस्थाएं हैं। इनमें से प्रत्येक अवस्था पूरा होने में 1 वर्ष लगता है और इस प्रकार 3 वर्ष बाद ही बीज किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए उपलब्ध हो पाता है। प्रथम अवस्था में प्रजातियों के बीज प्रजनन बीज के रूप में गन्ने के अनुसंधान स्टेशनों से लाए जाते हैं। प्राथमिक नर्सरी के लिए कभी कभी एक उपयुक्त अवस्था की स्वस्थ फसल से भी बीज को प्रयोग किया जाता है। बीज टुकड़ों के रोपण से पहले बीज गन्ने को पहले उच्च तापमान पर उपचार के बाद कवकनाशी से उपचारित किया जाता है। व्यवहार कुशल अच्छी प्रबंधन विधियों को अपनाते हुए नर्सरी फसल की देखभाल की जाती है। सतर्कता पूर्वक निगरानी करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं प्रजातियां आपस में मिल न जाएं और ये रोगों व हानिकारक जीवों से रहित रहें। आमतौर पर प्राथमिक नर्सरी को चीनी मिलों के फार्मों पर ही उगाया जाता है। इस फसल की कटाई 6 से 8 महीने की आयु में ही कर ली जाती है। पुरानी प्रजातियों जिनमें विषाणु संक्रमण आम बात है कि प्राथमिक बीज नर्सरी उगाने के लिए टिश्यू कल्चर उत्पादित विषाणु रहित पौधे बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीय अवस्था में रोपण के लिए प्राथमिक नर्सरी से प्राप्त बीज सामग्री या बुनियादी बीज को प्रगतिशील किसानों को बांट दिया जाता है ताकि वो द्वितीय नर्सरी लगा सकें। इसे भी प्राथमिक नर्सरी की तरह अनुरक्षित व निरीक्षित किया जाता है ताकि ये रोगों व हानिकारक जीवों से रहित रहे और इसमें किसी प्रकार का मिश्रण भी न हो पाए। इस फसल की कटाई 6 से 8 महीने की आयु में ही कर ली जाती है तथा बीज को व्यावसायिक बीज नर्सरी के लिए किसानों में बांट दिया जाता है। तीसरी अवस्था में व्यावसायिक बीज नर्सरी की फसलों की भी देखरेख द्वितीय बीज नर्सरी की तरह ही की जाती है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली बीज सामग्री किसानों को उपलब्ध हो सके। बीज को उच्च तापमान पर उपचारित कर रोपण करने से अगले करीब 5 वर्षों के लिए इसे रोग रहित रखा जा सकता है। इसलिए हर 5 वर्षों में बीज को बदलने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे क्रियाशील क्षेत्र को 5 सेक्टरों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक एक सेक्टर को हर वर्ष नए जवान किए गए बीज से 5 वर्षों में एक बार बदला जा सकता है। यदि देश की सभी चीनी मिलें इस 3-स्तरीय नर्सरी कार्यक्रम को अपनाकर किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध करा सकें तो देश की औसत उत्पादकता को 10 से 15% तक बढ़ाया जा सकता है।
बीज गन्ने की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानदंडों को अपनाना आवश्यक है। बीज फसल की कटाई का समय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 6 से 8 महीने जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 8 से 10 महीने होना चाहिए। इसके अलावा बीज गन्ना सामग्री काम चलाऊ ढंग से साफ और क्षति रहित होनी चाहिए। बीज गन्नों की हर पोरी में एक स्वस्थ कलिका उपस्थित होनी चाहिए। हर बीज गन्ने में स्वस्थ कलिकाओं रहित पोरियों की संख्या 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार उन कलिकाओं की संख्या भी कुल कलिकाओं की संख्या के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए जो फूल गई हों या फिर गन्ने के छिलके के तल से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ चुकी हों। बीज टुकड़ों के अंदर काफी नमी होनी चाहिए और आमतौर पर ये 65% से कम नहीं होना चाहिए। बीज सामग्री रोग और हानिकारक जीवों रहित होनी चाहिए। साधारणतया किसान परिपक्व गन्ने का ऊपरी 1/3 हिस्सा बीज टुकड़ों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, मगर ये एक अनुचित तरीका है। अतः किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 6 से 8 महीने की नर्सरी फसल को बीज के लिए प्रयोग करें। अच्छे बीज का अंकुरण 85% से अधिक होना चाहिए। रोगों के नियंत्रण के लिए रोपण से पहले बीज का उपचार प्रभावी सिद्ध होता है। उच्च तापमान उपचार में उस तापमान का प्रयोग किया जाता है जो बीज में उपस्थित रोग जनकों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावित कर उन्हें मार दे, मगर बीज पर इसका किसी प्रकार का उल्टा प्रभाव न पड़े। गर्म पानी, नमीयुक्त गर्म वायु और वातित भाप उपचार विधियों को बीज टुकड़ों में उपस्थित रोग जनकों को हटाने में प्रभावी पाया गया है। इनसे घासीय शाखा और बौनी पेड़ी रोगों को संक्रमण को दूर करने में सफलता प्राप्त हुई है। गर्म पानी उपचार में बीज टुकड़ों को एक विशेष तापमान पर गर्म पानी में एक नियत अवधि के लिए डुबोया जाता है। दो तरह की गर्म पानी उपचार विधियां आजकल प्रचलित हैं। लंबी अवधि की गर्म पानी उपचार विधि में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए, जबकि छोटी अवधि की गर्म पानी उपचार विधि में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बीज टुकड़ों को डुबोया जाता है। वतित भाप उपचार विधि में बीज टुकड़ों या कट्टे गन्नों को तश्तरियों में रखकर उन्हें उपचार कक्ष में रख दिया जाता है। भाप और वायु को मिलाकर उसे उपचार कक्ष में से गुजारा जाता है। इस प्रकार 1 घंटे तक बीज टुकड़ों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित किया जाता है। ये विधि घासीय शाखा रोग के विरुद्ध अति प्रभावी है। हर अवस्था के रोपण से पहले बीज टुकड़ों को कवकनाशी घोलों से अवश्य उपचारित करें। इससे मृदा में उपस्थित रोग जनकों विशेषकर कवकों के संक्रमण को रोका जा सकेगा। 1 एकड़ में रोपण के लिए आवश्यक बीज टुकड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए 100 लीटर पानी के घोल में सोखने के लिए डाला जाता है। इस घोल में 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 किलोग्राम संतृप्त चूने का घोल, 1 किलोग्राम यूरिया और 20 मिलीलीटर मेलाथियन को मिलाया जाता है। नर्सरी के 1 एकड़ के लिए 275 किलोग्राम नेत्रजन, 62.5 किलोग्राम फॉस्फोरस और 113.5 किलोग्राम पोटैश की मात्रा आवश्यक होती है। फास्फोरस की सारी मात्रा रोपण के समय ही आधारीय या बेसल रूप में डाल दी जाती है। नाइट्रोजन व पोटाश की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर खांचों में गन्नों की पंक्तियों के साथ डालकर साथ ही साथ मिट्टी से ढककर सिंचाई कर दी जाती है। नर्सरी की कटाई से 1 महीना पहले 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 75 किलोग्राम पोटाश की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग कर बीज की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे बीज गन्नों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है। नर्सरी प्लॉटों में पौधों की पुरानी पत्तियों को पौधों से मत हटाएं। दूरी पर आरोपण तकनीक भी एक महत्वपूर्ण विधि है। 1 हेक्टेयर में आरोपण के लिए एक 50 वर्ग मीटर का नर्सरी प्लॉट 1 महीना पहले ही चुन लेते हैं। उसमें एक कलिका वाले 600 से 700 बीज टुकड़े प्रति वर्ग मीटर की दर से रोपित किया जाते हैं। 4 से 5 सप्ताह के रोपण के बाद पौध को उखाड़कर उसे मुख्य खेत में 90x90 सेंटीमीटर की दूरी पर आरोपित कर दिया जाता है। आरोपण से पहले पौध को जड़ों को 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में डुबोया जाता है। शुरुआत में 2 से 3 सिंचाइयां जल्दी जल्दी दी जाती हैं ताकि पौधे आसानी से अपने आप को स्थापित कर सके।
पॉलीबैग पौधारोपण विधि में 6 इंच ग 4 इंच आकार के पॉलीबैग प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके तल में एक छोटा सा छेद किया जाता है ताकि सिंचाई का फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। रेत और खलिहान खाद के मिश्रण को इन बैगों में 3/4 तक भर दिया जाता है। फिर उनमें बीज टुकड़े को इस प्रकार रखा जाता है ताकि उसकी कलिका बाजू में रहे। पॉली बैगों को ऊंची कैरियरों में रखकर इनमें प्रतिदिन सुबह शाम फुहारे की मदद से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई 30 से 40 दिन पुरानी पौध को खेत में आरोपित किया जाता है। आरोपण से पहले पॉली बैग के नीचे की परत हटा दी जाती है। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12,500 पौधों की आवश्यकता होती है। नई प्रजातियों को तीव्रता से बहुगुणित करने के लिए टिश्यू कल्चर विधि अति उपयुक्त है। मेरिस्टेम कल्चर को अपनाते हुए इस विधि द्वारा रोग रहित पौधों को तीव्रता से विकसित किया जा सकता है। सूक्ष्म जनन तकनीक गन्ने में कई प्रकार से लाभदायक है। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नई प्रजातियों का तीव्रता से बहुगुणन है। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा रोगों व हानिकारक जीवों रहित पौधों का उत्पादन होता है। रोग रहित बीज सामग्री के प्रयोग से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा रस की गुणवत्ता भी 5% बेहतर होती है। इस विधि से प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और उनकी खेत में आयु सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। गन्ने में स्थायी वृद्धि लाने के प्रयासों में कलिका चिप्स यानी बट चिप्स का प्रयोग बीज बहुगुणन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन पौधों का वितरण भी शामिल है। इस विधि से गन्ना सामग्री का आयतन में 80-90% तक कम हो जाता है। इससे उपयोगी बीज का स्थानांतरण व उसकी चढ़ाई उतराई आसान हो जाती है। स्वस्थ कलिकाओं के प्रयोग से रोगी व संक्रमित बीज से राहत मिलती है। इससे बीज जनित रोगों व हानिकारक जीवों के स्तर को कम भी किया जा सकता है। ये तकनीक कम महंगी है तथा इससे मजदूरी लागत में भी बचत होती है। ये प्रजनन बीज और आशाजनक बीज स्टॉक के बहुगुणन के लिए भरोसे वाली विधि है। गन्ने से कलिका चिप्स लेने के बाद बचे गन्ने से रस निकाल उसे चीनी व गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बीज बहुगुणन के लिए कलिका चिप्स बनाने की प्रक्रिया में एक विशेष क्रम को अपनाया जाता है। सबसे पहले स्वस्थ गन्नों का चुनाव किया जाता है। इसके लिए गन्ने की फसल 6-8 महीने की होनी चाहिए। अगर फसल उससे अधिक आयु की हो तो गन्ने के निचले 1 मीटर हिस्से से कलिका चिप्स नहीं लेने चाहिए। कलिका चिप्स को चिपिंग मशीन से बनाकर हाथों से इकट्ठा कर उन्हें छाया में 2-4 घंटे के लिए सुखाया जाता है। कलिका चिप्स को 0.1% मैलाथियन और 0.1% कार्बन डजीम के हानिकारक जीवनाशी घोल में 10 मिनटों के लिए डुबोया जाता है। इसके बाद उन्हें छाया में 2 घंटे के लिए सुखाया जाता है। अगर उन्हें स्थानांतरित किया जाना है तो उन्हें नालीदार कागज के डब्बों में पैक करने से पहले छेदों वाले पॉली बैगों में रखा जाता है। कलिका चिप्स से उगाई जाने वाली नर्सरी के लिए सबसे पहले अच्छी गली सड़ी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या प्रेस मड को नारियल के रेशों के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर एक सा मिश्रण बनाएं। इस कार्य को पौध तश्तरियों में भी किया जा सकता है। इसके बाद इनमें कलिका चिप्स को खड़े खंबे की तरह पौध तश्तरियों में रोपित कर हल्की सिंचाई की जाती है। पौध तश्तरियों के चट्टे लगाकर उन्हें तिरपाल या पॉलीथीन की चद्दर से 5-7 दिन के लिए ढक दिया जाता है। इससे कलिका चिप्स का अंकुरण तीव्रता से हो पाता है। अंकुरण के बाद पौध तश्तरियों को कोहरे भरे कक्ष में या जालीदार घर में रखते हैं। इसमें फुहारे की मदद से या कोहरा पैदा करने वाले यंत्र द्वारा बार बार सिंचाई की जाती है। रोपण के 15-25 दिन बाद पौध पर 1% यूरिया का छिड़काव किया जाता है। कीट आक्रमण, रोग संक्रमण और पोषक तत्वों की कमी के लिए नियंत्रणक उपाय अपनाए जाते हैं। कलिकाओं के आसपास के माध्यम को हल्के से पलटा जाता है ताकि बेहतर अंकुरण व वृद्धि संभव हो। 4-6 सप्ताह बाद पौध को माध्यम समेत खेत में 150-60 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे खड्डों में आरोपित कर दिया जाता है।
अधिक व्यांग पैदा करने वाली प्रजातियों में पंक्तियों और पौधे से पौधे की दूरी बदली जानी चाहिए। करीब 4000 से 5000 पौधों को एक एकड़ में लगाया जा सकता है। अधिक दूरी यानी कि 5 फुट पर पंक्तियों में रोपण करने पर उनमें उपयुक्त अंतः फसलों जैसे कि सोयाबीन, प्याज, टमाटर इत्यादि उगाए जा सकते हैं। इससे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उर्वरकों की मात्रा, सिंचाई और दूसरी सिफारिश की गई प्रक्रियाओं को क्षेत्र के निर्देशानुसार अपनाएं। टपक सिंचाई विधि से उच्च उत्पादन प्राप्त होता है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर में किए गए परीक्षणों में कलिका चिप से उत्पादित प्रजातियों के पौधों के आरोपण से अधिक व्यांत निकलते देखे गए हैं। इनसे बेहतर गन्ना उत्पादन भी प्राप्त होता है। इस संस्थान में किए गए परीक्षणों में आरोपण पर पौधों का 100% जमाव देखा गया है।